हो रही है, तो ये लेकिन जो भी होगा इसमें ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा एक भव्य इसमें जो है जागरण जो है वो ऑर्गेनाइज करा जाएगा, और जो प्रसाद का मक्खन प्रसाद जो होता है उसके वितरण, क्योंकि उसकी भी मान्यताएं जुड़ी हैं कि वो स्किन डिजीजेज या और भी जो है हवाले से वो बहुत ही पावन माना जाता है, तो उसके वितरण हेतु, क्योंकि वो भारी मात्रा में बनाया जाता है घी से, तो उसके वितरण हेतु भी अलग से इसमें प्रबंध करे जाएंगे कि सुगमता से सभी श्रद्धालुओं को एम्पल अमाउंट में वो जितना है वो बढ़ सके। जी, अभी हमारे पास कुछ इस तरह के आवेदन आए हैं कि वो अपनी पार्टी के साथ परफॉर्म करना चाहते हैं। कुछ आवेदन हमारे पास श्रद्धालुओं के भी आए हैं कि वो इसमें डोनेशन के माध्यम से इसमें कुछ कराना चाहते हैं, तो उसका अभी सामंजस्य बिठाने की ही कोशिश की जा रही है कि हमारा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हमारा जो है कम से कम पैसा लगे, और जहाँ तक हो सके इसको कोऑपरेशन और जो एक लोगों की इतनी श्रद्धा जो रहती है उसी के अंतर्गत इसको अगर आगे बढ़ाया जाए, तो ये 14 तारीख को जैसे एक भव्य जागरण होता है तो उसकी प्लानिंग अभी चली है कि क्या उसको मंदिर परिसर में, क्योंकि हमारा जो है काफ़ी हिस्टोरिक एक मार्बल का, जैसे आपको पता है पूरे फ्लोर का मार्बल उसमें अभी रिप्लेस हो रहा है, तो या तो उसको MC ग्राउंड में करा जाए या मंदिर परिसर में। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।